जगदम्बिकायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में से श्री व्यास जी की तपस्या और भगवान शंकर का वरदान, इस कथा को श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री दुर्गायै नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। आदरणीय भक्तजनों, एक समय की बात है कि ऋषि जन यानी कि 88,000 ऋषि मुनि कथा सुनने के लिए बैठे हुए हैं और श्री सूत जी कथा सुना रहे हैं। तब ऋषिगण सूत जी से बोले, हे व्यास जी, हे सूत जी, आपने बताया कि व्यास जी बड़े तपस्वी थे, उन्हें किस प्रकार की तपस्या की और उस तपस्या के प्रभाव से उनको सुखदेव जी जैसा पुत्र प्राप्त हुआ, यह सब कथा हम सुनना चाहते हैं और हमें बताने का कष्ट करें। तब श्री सूत जी बोले, हे साधु संतो, एक समय की बात है कि जब नारद जी व्यास जी के आश्रम पर आए, नारद जी ने व्यास जी को चिंता ग्रस्त देखा और उनकी चिंता का कारण पूछा। तब व्यास जी ने कहा कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, बिगर पुत्र के इस लोक में और परलोक में भी सुख नहीं प्राप्त होता है। अब मैं किस देवता की आराधना करूं, किसकी भक्ति करूं कि जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो जाए। तब नारद जी ने कहा था कि तुम शक्ति और शिव जी की उपासना करो, उन्हीं के आशीर्वाद से तुमको पुत्र प्राप्त होगा। तब व्यास जी तपस्या करने के लिए चले गए और उन्होंने सुमेरु गिरी की शिखर पर जाकर बड़ी कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के शंकर भगवान ने उनसे कहा कि हे पाराशर नंदन व्यास, पुत्र पाने के लिए आपने बड़ी कठिन तपस्या की है, अभी 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं तब मैं आपका पुत्र अवश्य होगा। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान शंकर ने उनको आशीर्वाद दिया और वे अपने आश्रम में चले आए। शंकर भगवान को प्रणाम करके जैसे ही वे अपने आश्रम में आए और अपने आश्रम में आकर के उन्होंने देखा कि कोई स्त्री के बगैर पुत्र प्राप्त होता नहीं है, अब मैं भला किसी स्त्री को कैसे स्वीकार कर सकता हूँ, क्योंकि स्त्री तो पैरों की बेड़ी है। मुनिवर व्यास जी इस प्रकार सोच ही रहे थे कि इतने में घृताची नाम की एक अप्सरा दिव्य रूप धारण करके उनके सामने आ गई और उनको वह अप्सरा दिख गई। भक्तजनों, अब हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल भगवान के यानी कि माता दुर्गा के एक और भक्त की कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री जगदम्बिकायै नमः।